महाराष्ट्र चुनाव 2019 को लेकर बड़ा अपडेट यहां पर निकल कर आ रहा है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की तरफ से बड़ा अपडेट यहां पर निकल कर आ रहा है। महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की सरकार बन सकती है। 161 के बहुमत तक यहां पर शिवसेना पहुंच सकती है। बीजेपी को बड़ा झटका यहां पर, और एक और बड़ा झटका कि महाराष्ट्र में दोबारा चुनाव हो सकते हैं। अगर महाराष्ट्र की जनता का फैसला आपको दिखा है तो महाराष्ट्र ने किसी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया है। ऐसे में पूर्ण बहुमत की सरकार किसी की बनती नजर नहीं आ रही है, लेकिन कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मिलकर सरकार बना सकते हैं। सोनिया गांधी के घर पर एक अहम बैठक की गई है। इसके साथ ही कल जो है एनसीपी से भी यहां पर शिवसेना के यहां पर जो नेता हैं वो यहां पर मुलाकात कर चुके हैं। तो ऐसे में शिवसेना की तरफ से बड़ा अपडेट है कि सरकार वो बना सकते हैं बिना बीजेपी के यहां पर। तो एक बड़ा यहां पर सवाल है कि आखिर कैसे यहां पर शिवसेना की सरकार बनेगी, वो भी बिना बीजेपी की मदद से बड़ा सवाल बन चुका है। वहीं शिवसेना की तरफ से मुख्यमंत्री पद यहां पर मांगा जा रहा है बीजेपी सरकार से, क्योंकि बीजेपी सरकार का साफ तौर पर कहना है जो यहां पर की 5 साल के लिए फडणवीसी होंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। बस इसी बहस को लेकर अब तक महाराष्ट्र के अंदर 9 दिन चुनाव के नतीजे आने के बाद अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। ऐसे में अगर फैसला नहीं होता है तो फिर महाराष्ट्र में क्या होगा, ये बड़ा सवाल बन चुका है। लेकिन इसी बीच यहां पर कांग्रेस की तरफ से भी बड़ा बयान, जो सोनिया गांधी के घर पर अहम बैठक की गई है उसमें अचानक से बड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं अब शिवसेना दूसरा रास्ता ढूंढती नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, इसी बीच एक और यहां पर बदलाव देखने को मिला कि उद्धव ठाकरे ने यहां पर एकनाथ शिंदे को यहां पर विधायक दल का नेता चुना है, जबकि यहां पर खबरें थी कि आदित्य ठाकरे यहां पर मुख्यमंत्री बनेंगे महाराष्ट्र के अंदर, जो खबरें यहां पर निकल कर आई हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल बन चुका है आखिर महाराष्ट्र में कैसे बनेगी सरकार। कई सारे फॉर्मूले यहां पर निकल कर आ रहे हैं, और अगर यहां पर तस्वीर आपको दिखाएं, महाराष्ट्र के अंदर मौजूदा सरकार का कार्यकाल 8 नवंबर को खत्म हो रहा है। अगर शिवसेना और बीजेपी आपस में लड़ती रही और कहीं ना कहीं उनके बीच कोई भी फैसला नहीं बनता है, इसके बाद क्या होगा, तो महाराष्ट्र में क्या दोबारा चुनाव होंगे, ये बड़ा सवाल बन चुका है। क्योंकि 9 नवंबर तक अगर नई सरकार महाराष्ट्र के अंदर नहीं बनती है तो फिर यहाँ पर जो बड़ा बदलाव है तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर दोबारा चुनाव होंगे। तो ऐसे में यहाँ पर एनसीपी नेता का बड़ा बयान है कि कांग्रेस और यहाँ पर शिवसेना एनसीपी मिलकर चाहे तो सरकार बना सकते हैं। वहीं शिवसेना की तरफ से भी बड़ा यहाँ पर बयान दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी और शिवसेना के बीच जो टकराव है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में आने वाले समय तक अगर ये जो है सीएम पद को लेकर झगड़ा है वो शांत नहीं होगा तो फिर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। वहीं संजय रूबंतम ने कहा है कि यहाँ पर शिवसेना अपने दम पर सरकार बना सकती है बिना बीजेपी की यहाँ पर मदद के बिना। जी हाँ दोस्तों, आखिर तुम्हें आना जरा देर लगेगी, ऐसा ट्वीट यहाँ पर बीजेपी नेता ने साफ तौर पर कहा, जिसमें यहाँ पर फडणवीस सरकार जो है वो यहाँ पर एक छल्ले को दिखा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर लग रहा है कि यहाँ पर शिवसेना मान जाएगी, लेकिन शिवसेना यहाँ मानने वाली नहीं है। और इसके बाद जो यहाँ पर शिवसेना बिल्कुल बौखला चुकी है, और शिवसेना की तरफ से यहाँ पर कहा गया है कि उन्हें सीएम पद महाराष्ट्र के लिए चाहिए। अगर फॉर्मूले की बात करें तो सीएम पद अगर बड़ा मंत्रालय यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर अगर बात करें तो 5 मंत्रालय यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जो है रखे गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा पद है सीएम का पद, यहाँ पर बीजेपी अपने पक्ष में रखेगी। वहीं गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, राजस्व मंत्रालय और नगर विकास मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी। अगर बात करें तो बीजेपी ने ये 5 बड़े मंत्रालय अपने पास, इसमें से अगर बात करें तो 13 मंत्रालय जो है बीजेपी यहाँ पर शिवसेना को दे सकती है, और 26 का फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर दिखा रही है बीजेपी। लेकिन शिवसेना इस पर मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और यहाँ पर अगर बात करें आपके लिए और जो यहाँ पर नए आंकड़े आपको दिखाएं, महाराष्ट्र में अगर आपको दिखाएं तो बीजेपी यहाँ पर 105 सीटें और शिवसेना 56, एनसीपी कांग्रेस 98, निर्दलीय 7। और यहाँ पर जो आंकड़े हैं, जो खबरें यहाँ पर सामने निकल कर आ रही हैं वो है कि शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस और निर्दलियों के साथ सरकार बना सकती है। शिवसेना नेताओं की तरफ से कई बड़े बयान जारी किए गए हैं, जिनमें यहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो सरकार बना सकते हैं बिना बीजेपी की मदद से। तो यहां पर 56 जो विधायक शिवसेना के और एनसीपी से 98 और 7, तो 161 का आंकड़ा यहाँ पर शिवसेना महाराष्ट्र के अंदर छूटी है। इसके अलावा बीजेपी भी यहाँ पर शिवसेना को छोड़ एनसीपी और बीजेपी सरकार बना सकते हैं,
प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी यहाँ पर एनसीपी प्रमुख यहाँ पर शरद पवार से बात की है, क्योंकि शरद पवार से किस विषय में बात की है लेकिन ये कहना काफी मुश्किल है। और अगर आपको दिखाएं तो महाराष्ट्र के अंदर अब बीजेपी की चिंता बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि अगर बात करें तो शिवसेना बिल्कुल अड़ी हुई है कि उन्हें 2.5 साल के लिए सीएम पद दिया जाएगा तभी वो बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे, अगर वो सरकार नहीं बनाते हैं तो फिर बीजेपी की चिंताएं बढ़ जाएंगी। ऐसे में 9 नवंबर तक अगर कोई फैसला नहीं होता है तो फिर महाराष्ट्र में लग जाएगा राष्ट्रपति शासन। तो जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी प्लस शिवसेना की सरकार बनेगी या बीजेपी प्लस एनसीपी की सरकार बनेगी या कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना की सरकार बनेगी, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कल लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट जानकारी का नॉलेज आपको टाइम टाइम मिलता रहे। चलिए मित्रों, एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।